अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी मैं जो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, आप में से किसी को भी नहीं पता होगी। आज हम बना रहे हैं मैंगो शेक और उसके लिए ये लिए हमने दो दूल्हे राजा सजे हुए हैं लड़ियों के साथ। टू मैंगोज दिए हैं, आज हम बना रहे हैं मैंगो शेक। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, सभी को ही पता है, बट मैंने सोचा चले फिर भी हम भी ज़रा उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं, रेसिपी शेयर कर देते हैं मैंगो शेक की। तो यहाँ लिए मैंने टू मैंगोज और यहाँ पर है मिल्क, ये फुल क्रीम मिल्क है। आप चाहें तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का मिल्क अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल मिल्क जो हो अगर इतना अच्छा नहीं है तो आप उसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं 2 टीस्पून्स। ये शुगर, आइस क्यूब्स और मैंगोज़ हैं। मैंगोज़ अगर आपके पास, प्लीज़ थोड़ा चेक कर लीजिए, अगर मीठे ज़्यादा हों तो कोशिश करें शुगर कम ही यूज़ करें, और अगर मीठे ना हों, जैसे कि मेरे पास इतने ज़्यादा मीठे नहीं थे तो मैंने इसमें शुगर हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। मीन आप पौना कप कह सकते हैं या 1/3 कह सकते हैं, एक कप का 4 पार्ट्स में से। और यहाँ मिल्क ले लिया था मैंने, मिल्क के अंदर मैंने मैंगोज़ ऐड कर दिए थे और मैंगोज़ के साथ ही मैंने शुगर ऐड कर दी थी। आइस क्यूब सबसे लास्ट पे ऐड करें वो इसलिए मैक्सी स्टिक ब्लेंडर है मेरे पास तो मैं उससे बना रही हूँ। आप जग में भी बना रहे हो तो भी आइस क्यूब्स लास्ट पे ऐड करें वो इसलिए क्योंकि अगर मिल्क ठंडा हो जाता है तो फिर उसमें शुगर देर से डिज़ोल्व होती है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, गर्म उसमें और नीम गर्म में शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। तो एक छोटी सी टिप आपके लिए, वैसे तो सबको पता होगा बट फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, कि आप पहले शेक बना लीजिए एंड लास्ट पे उसमें आइस क्यूब्स ऐड करें। यहाँ मैंने मैंगोज़ ऐड कर दिए थे और शुगर भी ऐड कर दी थी मिल्क में, और इसके बाद फिर हमने हेल्प ली थी अपने स्टिक ब्लेंडर की और उससे इसको ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। स्मूथ सा हमने ब्लेंड करना है, जल्दी नहीं मचानी है, आराम से खून से वो करना है ताकि आराम से इसके सारे चंक्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। और जो शुगर है, बिकॉज मैं इससे कर रही हूँ तो शुगर ऑब्वियसली नीचे होती है बिल्कुल बॉटम में, तो वो अच्छी तरह से जब डिज़ोल्व हो जाए आप, मतलब 1-2 मिनट अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर लीजिए एंड आपका शेक तैयार है। सबको ही पता है वैसे तो कि कैसे बनाए जाते हैं, मगर फिर भी आई थॉट कि मैं अपनी स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ और आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सी, बहुत ईजी सी रेसिपी है, इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप देखें और जो नहीं भी पी रहे हैं वो भी शेक पिए। गर्मियों का मौसम है, आमों का मौसम है, शेक इन्जॉय करें मैंगो शेक, आई जस्ट लव इट, और बहुत मज़े का बनता है। जिन लोगों के बच्चे मिल्क नहीं पीते हैं या मैंगोज़ या कोई फ्रूट नहीं खाते, उन्हें चाहिए कि वो शेक्स बना करें, और बहुत मज़े का बना था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए हमारा चैनल, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हमेशा शामिल हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।